कोटली क्षेत्र से एक युवती पिछले 22 दिनों से लापता है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल पंचायत प्रधान सीताराम व महिला मंडल की प्रधान किरण कुमारी की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक मंडी को मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की अपील की है। परिजनों को आरोप है कि उनकी बेटी को क्षेत्र का एक ललित कुमार नामक युवक अगवा करके ले गया है। युवती के पिता ने एसपी मंडी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं ग्राम पंचायत कशाण के प्रधान सीताराम ने बताया कि मामला बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि 22 दिनों से गांव से एक लड़की का गायब होना बहुत ही चिंतनीय विषय है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है। साथ ही पंचायत प्रधान सीताराम ने एसपी मंडी से मिले आश्वासन के बाद इस मामले की निष्पक्ष जाँच होने की उम्मीद भी जाहिर की है। ऐतिहासिक पटेल मैदान में पुलिस भर्ती के लिए युवा खूब पसीना बहा रहे हैं। पुलिस में भर्ती होने के लिए युवाओं ने कई महीनों तक प्रैक्टिस की है और अब भर्ती के शुरू हुए इस दौर में युवा उत्साह से भाग ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मंडी ने बताया कि पटेल मैदान में चल रही भर्ती प्रक्रिया की पूरी तरह से वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। उन्होंने बताया कि गत दिन 1274 युवाओं ने भर्ती में भाग लिया, जिनमें से 871 युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया को पास किया। उन्होंने बताया कि वीरवार को 2000 युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया गया था, जिनमें से समाचार लिखे जाने तक 1400 युवाओं ने अपना पंजीकरण करवा दिया था। वहीं खाकी वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं में इस भर्ती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में पुलिस भर्ती के लिए युवा पसीना बहा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। मंडी जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग व नवज्योति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कला मंच के द्वारा रविनगर बाट में 35 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जिला भर से आए युवा व बच्चे निर्देशक इंद्रराज इंदु के मार्गदर्शन में अभिनय की बारीकियां सीख रहे हैं और प्रतिभागियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यशाला के आयोजन के दौरान मंडी जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी देवती सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर नवज्योति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कल्याण मंच के अध्यक्ष इंद्रराज व सचिव जय कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी देवती सैनी व निर्देशक इंद्रराज इंदु ने कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत नाट्य अभिनय को देखा और प्रतिभागियों के अभिनय की सराहना की। कार्यशाला के आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए नवज्योति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कला मंच के सचिव जय कुमार ने बताया कि 35 दिवसीय कार्यशाला में निर्देशक इंद्रराज इंदु के सानिध्य में नाट्य अभिनय की बारीकियां सीख रहे हैं। कार्यशाला में इंद्रराज इंदु के द्वारा निर्देशित सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण और इस रात की सुबह नहीं नाटकों का अभ्यास किया जा रहा है। वहीं जिला भाषा एवं संस्कृति अधिकारी रेवती सैनी ने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि भावी पीढ़ी को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हो सके। इसी उद्देश्य से नवज्योति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कला मंच के साथ मिलकर 35 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में जिला भर के युवा व बच्चे नाट्य अभिनय की बारीकियां सीख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक तारकोल का प्लांट इन दिनों लोगों के विरोध का कारण बना हुआ है। दरअसल लोगों के विरोध का कारण इस प्लांट का आबादी के पास होना है। लोगों ने इस प्लांट को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन उनके इस अनुरोध का प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों की माने तो उनके द्वारा इस मामले पर ली गई आरटीआई का भी उन्हें कोई उचित जवाब नहीं दिया गया। ग्रामीणों का आरोप तो यहाँ तक भी है कि इस प्लांट के कारण क्षेत्र में सहनशीलता से भी अधिक बदबू आती है और क्षेत्र के बच्चे बुजुर्ग सभी बीमार हो रहे हैं। उनके स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है, जिसने उनकी चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं।
जिले के पनोगांव में बने इस तारकोल प्लांट पर यहां के ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर भड़क उठा है कि अब ग्रामीणों ने इस प्लांट को नहीं हटाए जाने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। इससे पहले उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। राजेश कुमार का कहना है कि इस मामले में प्रदूषण विभाग ने पंचायत की NOC होने का दावा करते हुए मामले की जांच किए जाने की भी बात की है।